गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीक के पहले दिन आप कुछ नया सीखते हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में आप उसका अभ्यास करते हैं। आज आप पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। आइए अब पिछली कक्षा का रिवीजन शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्पेलिंग ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? स्पेलिंग से आप टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो उसे स्पेलिंग के ऑप्शन से ठीक कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि गैलरी ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? गैलरी ऑप्शन की मदद से आप अपने स्लाइड पर अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स लगा सकते हैं। गैलरी की मदद से विभिन्न प्रकार के इमेज लगा सकते हैं और स्लाइड का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का उपयोग करते हैं? स्लाइड शो करने के लिए F5 कमांड का उपयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कस्टम एनिमेशन का उपयोग क्यों करते हैं? कस्टम एनिमेशन से आप स्लाइड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर एक प्रकार के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे आपने किसी फिल्म में देखा होगा कि उसका नाम इधर उधर से निकल के आता है, यह कस्टम एनिमेशन ही होता है। क्या बता सकते हैं क्लोज विंडो से क्या होता है? क्लोज विंडो से आप करंट फाइल या करंट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि हाइड स्लाइड से क्या होता है? हाइड स्लाइड से आप अपने स्लाइड को छुपा सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और इंप्रेस की फाइल को बताए गए तरीके से ओपन करें। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या आपने फाइल को ओपन कर लिया है? सबसे पहले आप 5 स्लाइड को इंसर्ट करेंगे और हर एक स्लाइड में अलग अलग कार्य करेंगे। पहले स्लाइड में आप सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। आप चाहें तो स्लाइड की डिजाइन को भी बदल सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो की मदद से पैराग्राफ के डिजाइनिंग और स्लाइड के डिजाइन को चेंज करना सीखें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। हमारे पास अभी सिंपल डिजाइन है क्योंकि हमें इस स्लाइड का डिजाइन चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को लेआउट के ऑप्शन पे लेके जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर पेज को सिलेक्ट कर ले। जैसे ये मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्लाइड्स आ जाएंगी और उसके अलग अलग प्रकार के डिजाइन उपलब्ध है। यहाँ पे आपको जो पसंद है इनमें से किसी एक डिजाइन को सिलेक्ट कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे आप डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे वह डिजाइन आपके स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगले स्लाइड में आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करें। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्लाइड पर किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले स्लाइड पेन में जाके एक न्यू स्लाइड लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दिया, जिससे हमारे पास एक नई स्लाइड आ गई। क्योंकि हमें स्लाइड को ब्लैंक करना है, इसके लिए आप लेआउट के ऑप्शन पे जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वहां से ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। अब इसको मास्टर पेज पे क्लिक करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें। जो हमने मास्टर पेज लगा रखा है उसको यहाँ से आप हटा देंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें इस पर पिक्चर इंसर्ट करना है। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर पिक्चर लिखे ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे फाइल लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही फाइल लिखे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं, किस लोकेशन से आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, उस लोकेशन को सिलेक्ट करें।
जहां पे पिक्चर है उस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने डाउनलोड ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहां से एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि वीडियो में आया ग्राफिक नॉट फाउंड, क्योंकि वहां पे कोई भी ग्राफिक नहीं था, कोई भी पिक्चर नहीं था। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर अपने पॉइंटर को फ्रॉम फाइल पे लेके जाएंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से किसी लोकेशन से किसी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सैंपल म्यूजिक, कोई भी इमेज नहीं है। फिर से दूसरे लोकेशन को हम यहाँ से बदलेंगे, हमने पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, फिर सैंपल पिक्चर पे क्लिक किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हमने सैंपल पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पिक्चर आ गए हैं। अब इनमें से किसी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो और फिर ओपन पे क्लिक कर दें। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे, वह पिक्चर आपके स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आपके पिक्चर आ जाएगा तो वहां पे ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स बटन बने हुए आएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इन बटन से पिक्चर के साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अपने फ्रेंड के बारे में टाइप करें। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो की मदद से अपने फ्रेंड के बारे में लिखते हैं, लिखना सीखते हैं। सबसे पहले एक नया स्लाइड लें, एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर लेआउट के ऑप्शन में जाके टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें टाइटल स्लाइड पे लिखना है। टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करते ही टाइटल स्लाइड आ जाएगी। फिर जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे टाइटल दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहां पे क्लिक किया, एक कर्सर आ गया। आपको जिसके भी बारे में लिखना है वो आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमने टाइप फ्यू लाइन लिखा हुआ है। तो आप टाइटल में कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के बारे में टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टाइप फ्यू लाइंस अबाउट फ्रेंड टाइटल दिया। इसी प्रकार से आप भी टाइटल दे सकते हैं। फिर कर्सर को नीचे लेके आए और यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो स्लाइड के बीच में कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में खुद से 3 या 4 लाइन लिखनी है और लिखने के बाद अपने टीचर को दिखाएं। और अगले स्लाइड में कोई भी इमेज को ड्रॉ करें और इसके बारे में 1 लाइन लिखें। आखिरी स्लाइड को ब्लैंक रहने दें। दी गई लाइन को आप टाइप करें और स्पेलिंग ऑप्शन की मदद से सही करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्पेलिंग चेक यानी कि स्पेल चेक ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है। आपको स्पेल चेक की मदद से, स्पेल चेक ऑप्शन की मदद से इन स्पेलिंग को ठीक करनी है। सबसे पहले अपने पॉइंटर को टूल्स मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर स्पेल चेक ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। जो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे वो F7 होता है। हमने हैप्पी वर्ड को सिलेक्ट किया था, वहां पे हमने कर्सर रखा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है। और नीचे सजेशन बॉक्स में आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको इनमें से जो करेक्ट वर्ड लगे, जो करेक्ट स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया। जो हमने गलत वर्ड लिखा था वो सही के साथ चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। अगला देख सकते हैं एप्पल लिखा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ से आप सही स्पेलिंग ढूंढें, उसको सिलेक्ट करें और चेंज पे क्लिक कर दें। फिर अगला वर्ड स्कूल लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में स्कूल की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग को ढूंढें और चेंज पे क्लिक कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा। फिर अगला वर्ड कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे कंप्यूटर का सही जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को ढूंढें, उसको सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर चेंज पे क्लिक कर दें।
जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे अगला वर्ड आ जाएगा। अगला वर्ड मोबाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल की स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग को ढूंढें, उसको सेलेक्ट करें और चेंज पे क्लिक कर दें, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, किसी भी स्पेलिंग को आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्पेल चेक का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप ब्लैंक स्लाइड में गैलरी में से कोई शेप्स या ग्राफिक्स को इंसर्ट करके दिखाएं, उसके बारे में एक लाइन टाइप करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं या किसी ग्राफिक को गैलरी की मदद से कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया स्लाइड लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड लिया और इसको फिर लेआउट के ऑप्शन में जाके ब्लैंक स्लाइड कर देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब ये ब्लैंक स्लाइड हो गया है। अब हमें यहाँ पे गैलरी की मदद से किसी ऑब्जेक्ट या कोई ग्राफिक को इंसर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले टूल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं आप हमने गैलरी ऑप्शन पे क्लिक किया तो गैलरी का ऑप्शन नहीं आया। फिर से दोबारा से टूल मेन्यू पे क्लिक करें और गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अब जो गैलरी की प्रॉपर्टीज है, जो गैलरी के ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस ग्राफिक्स या जिस चित्र को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे टैप का इमेज का हमने सेलेक्ट किया, इसको इंसर्ट करने के लिए उस पर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें उसे अपने स्लाइड पे लाना है तो इसीलिए हम कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे वह इमेज आपके स्लाइड पे आ जाएगा। अब यहाँ से गैलरी के प्रॉपर्टी को हटा दें, हाइड कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया। आप चाहे तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप टूल्स को टूल मेन्यू पे क्लिक करके गैलरी के ऑप्शन से भी इसे हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इस इमेज को आप रिसाइज करें, इसके साइज को कम या ज्यादा करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको एडजस्ट कर दें। अब हमें इसके बारे में कुछ लिखना है। लिखने के लिए आप टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड में लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लिया और स्लाइड पे जाके ड्रैग कर देंगे जहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करा यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा छोटा सा और उसके अंदर हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमें इसके बारे में लिखना है तो हमने यहाँ पे टाइप किया सेव वाटर सेव लाइफ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी इमेज को इंसर्ट करें और उसके बारे में एक लाइन टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गैलरी की मदद से कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स को लगा सकते हैं। अब आप इन सभी के टेक्स्ट पर स्लाइड पर कस्टम एनिमेशन लगाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखकर लगाएं। आइए वीडियो की मदद से कस्टम एनिमेशन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले आपको जिस इमेज या जिस स्लाइड पे कस्टम एनिमेशन लगाना है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं तो अपने कर्सर को जिस टेक्स्ट पे आप लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने जो पैराग्राफ टाइप किया था उस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का शॉर्टकट पहले से ही उपलब्ध है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने वहां पे क्लिक किया और क्लिक करते ही जो कस्टम एनिमेशन के ऑप्शन हैं वो आ जाएंगे और फिर हमने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वहां पे अलग अलग प्रकार के कस्टम एनिमेशन आ गए हैं। जो भी आपको एनिमेशन चाहिए उस एनिमेशन को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो एनिमेशन आपने सेलेक्ट किया था वो एनिमेशन आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। फिर से अगली स्लाइड को सेलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि अब हमें एनिमेशन
इमेज पे लगानी है, इसीलिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद कस्टम एनिमेशन का जो ऑप्शन ऐड का दिया हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे, जो कस्टम एनिमेशन के ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जो भी एनिमेशन चाहिए आपको, उस एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर लें और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दें, वह एनिमेशन आपके इमेज पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अगली स्लाइड को सिलेक्ट करें, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया था उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फिर से ऐड के बटन पे लेके जाना है। ऐड के बटन पे क्लिक करते ही कस्टम एनिमेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर अपने पसंद के कोई सी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर लें और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, जो एनिमेशन आपने सिलेक्ट किया था वह आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। अगर आपने जो एनिमेशन को लगाया है उसे आप देखना चाहते हैं, उसको आप बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उसके लिए हम स्लाइड शो का उपयोग करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने पॉइंटर को स्लाइड शो ऑप्शन पे लेके जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइड शो का ऑप्शन आ गया होगा। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप F5 का उपयोग करेंगे, जो आपकी स्लाइड है वो बड़े स्क्रीन में आ जाएगी। इन सभी एनिमेशन को देखने के लिए आप अप एरो की और डाउन एरो की का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम डाउन एरो की का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जितने भी आपने एनिमेशन लगाया था वो सारे एनिमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस एनिमेशन से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप बड़े स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं, तो इसके लिए स्केप का बटन का उपयोग करेंगे। अपने कीबोर्ड में आपको एस्केप का बटन ढूंढना है, जिसपे ESC लिखा हुआ है, उस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आप स्लाइड शो से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कस्टम एनिमेशन का उपयोग करना सीख सकते हैं। आप स्लाइड को हाइड करके दिखाएं और फिर स्लाइड को शो करके दिखाएं। अब आप न्यू विंडो की मदद से नया करंट फाइल को लेकर दिखाएं। अब आप करंट विंडो को क्लोज करके दिखाएं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने पिछली क्लास का अभ्यास किया, जैसे कि स्पेलिंग का उपयोग क्यों करते हैं, गैलरी का उपयोग क्यों करते हैं, स्लाइड को बड़े स्क्रीन में कैसे देखते हैं, स्लाइड शो सेटिंग से क्या होता है, कस्टम एनिमेशन से क्या होता है, स्लाइड को हाइड कैसे करते हैं, न्यू विंडो को कैसे लेते हैं और विंडो को क्लोज कैसे करते हैं, इन सभी ऑप्शन का अभ्यास किया।